सिद्धार्णं नमो सिद्धार्णं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहून। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म मुहूर्तं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। आत्मा को जानने पर ऑटोमेटिक कैसे भाव होते हैं उसका वर्णन है। पहली शर्त क्या है? आत्मा को जानने पर। आत्मा को जानने का मतलब है संपूर्ण सामर्थ्यशील आत्मा। आत्मा समझ में लिखना चाहिए, आत्मा के बारे में कितना लिख सकते हैं अपन। आत्मा मतलब सारे विकारों को उत्पन्न ही ना होने दे, विकारों का नाश करे नहीं। क्या काम है अंतर? विकारों का नाश करे ये नहीं, विकार उत्पन्न ही ना हो। आत्मा अर्थात ये तो आत्मा को भूलकर विकार उत्पन्न हुआ है। आत्मा को भूलकर मतलब रत्नों की अंगूठी पहनने वाला पीतल की अंगूठी पर मोहित होगा? मतलब सोचो, ऐसे शुद्धात्मा आत्मा उसे नहीं देगा, इसलिए मोह उत्पन्न होता है, राग उत्पन्न होता है। स्त्री पुत्र जो भी आपको उत्पन्न हो रहा है वो सब आत्मा को भूल कर हो रहा है। ओहो, मैसूर पाक खाने मिले तो कसार कौन खाए? कसार खाते क्या है? कौन खाए मैसूर पाक हो तो? ऐसी बात है, आत्मा माने गजब। एक्चुअली आत्मा दिखती नहीं, बस समझ में, इसलिए भरोसा ही नहीं आता। इसे थोड़ा पुरुषार्थ है, इसलिए इसमें पुरुषार्थ है कि आत्मा को जाने तो बैराग्य आता है। बैराग द्वादशी चर्चा है, बहुत सुंदर एक पंक्ति है, बढ़िया, उसको अपन गाएंगे भी। इसका छंद ले रहे, देखो। सहज समता भाव हो ज्ञातार हूँ निरपेक्ष, ज्ञाता रहूं निरपेक्ष, सहज समता भाव हो ज्ञाता रहूं निरपेक्ष। अरे थोड़ी निरपेक्ष ज्ञाता की चर्चा सुनो। सापेक्ष ज्ञाता तो अनंत काल से रहे, अनादि काल से सापेक्ष ज्ञान। सापेक्ष क्या था? सरल दृष्टान दे, निरपेक्ष और सरल सापेक्ष क्या होता है सुनना सभी है, बड़े काम की बात है। निरपेक्ष और सापेक्ष, बोलो भाई, कोई आपको गाली दे, गाली तो समझते हो ना हिंदी में, गाली दे तो कैसा लगेगा आपको?
सोच लो सबसे गंदी गाली, सबसे गंदी कोई आपको गाली दे तो कैसा लगेगा? सोचो थोड़ा, सोच लो बस। लेकिन उसके साथ 1 करोड़ दे तो एक गाली प्लस 1 करोड़ मिले, 1 गाली और 1 करोड़। तो आप बोलो 1 गाली सुनकर के खुश हो गए कि दुखी हो गए? आप समझ गए कि नहीं? इसको कहते हैं सापेक्ष ज्ञाता। ये जीव मजबूरी में ज्ञाते हैं, जैन तरों में बड़े बड़े साधु बड़े बड़े कष्ट उठाते, अग्नि तप क्या क्या करते हैं, पंचाग्नि तप, कठोर कठोर व्रत, उपवास, एक पांव पे खड़े रहते हैं। कितने हिमालय में नागा साधु हैं अभी भी हिंदुओं में, नागा अखाड़ा होता है, महाकाल की सवारी में आते हैं वे लोग, है ना, बना वो काशी में स्नान करने जाते हैं गंगा में, है ना। कहने का मतलब ये है कि सापेक्ष ज्ञाता है, यदि स्वर्ग मिलता है तो इस शरीर को कुछ भी करने तैयार। हिंदुओं में एक शब्द आता है काशी करो, माने देह छोड़ देते हैं ऊपर से गिर करके, पहाड़ ऊपर से गिर कर देह छोड़ देते। क्यों? जो काशी में गिरेंगे प्रयागराज में गिरेंगे तो बैकुंठ हो जाएगा। हाँ, ऐसी कल्पना है ना। तो सापेक्ष ज्ञाता, पॉइंट पकड़ में आया कोई? सापेक्ष ज्ञाता। तो 2-3 दृष्टांत दे दिए। 1 करोड़ रुपया मिले तो गाली का दुख नहीं लगता, 1 करोड़ मिले तो अभी आपका छोकरा अमेरिका में चला जाए, रात्रि भोजन भी करता हो तो आपको बुरा नहीं लगता। क्यों? अब क्या करें पंडित जी, अमेरिका है, करोड़ रुपए की पगार है, तो करोड़ रुपए की पगार के सामने वो रात्रि भोजन करता है, आपको बुरा नहीं लगता, आप मजबूर ज्ञाता हो जाते हो। ये सापेक्ष ज्ञाता नहीं, या निरपेक्ष ज्ञाता कह रहे हैं। अब तो समझ आ गया अंतर? मैंने पंक्ति का बहुत मार्मिक अर्थ है। सापेक्ष ज्ञाता तो कई कारणों से जीव रहता आया है, मजबूरी में भी रह सकता है, लोभ में भी रह सकता है, मान में भी रह सकता है, मायाचारी में भी रह सकता है, मजबूरी का ज्ञाता। लोग क्या कहेंगे, पंडित जी क्या कहेंगे, ऐसा सोच करके भी मजबूरी में ज्ञाता रह जाता है जी। हैं? क्या? तो अब तो समझ गए ना, सापेक्ष ज्ञाता तो बहुत लगा लेना आप, कितने मिल जाएंगे आपको। यहाँ तो निरपेक्ष ज्ञाता रहूं, सहज समता भाव हो ज्ञाता रहूं निरपेक्ष। मैं निरपेक्ष ज्ञाता रहूंगा, समता भाव इसी का ही नाम है। समता भाव इजिकल टू निरपेक्ष ज्ञाता, निरपेक्ष ज्ञाता कार्य और समता भाव कार्य, उसका रिजल्ट है वो। अब समझाएंगे इन बातों को, ठीक है? तो आओ अपन समझते। निरपेक्ष ज्ञाता मतलब मैं ज्ञाता हूँ इसलिए ज्ञाता हूँ बस। मोक्ष जाना है इसलिए ज्ञाता नहीं हूँ। अभी अभी तो स्वर का नाम लिया था ना, तो ऐसे मोक्ष जाना है इसलिए शांत रहो शांत रहो, मोक्ष जाना है तो शांत रहो, ये सापेक्ष ज्ञाता है, निरपेक्ष ज्ञाता नहीं। हाँ, इसमें मोक्ष की अपेक्षा आ गई। देखो, कर्म काटना हो तो शांत रहो। बहुत कर्म बांधे हैं आपने अनादिकाल से, यदि तुम्हें कर्म काटने तो शांत रहो, शांत रह करके सहो। पार्श्वनाथ ने कितना सहा, तुम भी सहो। नहीं, ये सापेक्ष ज्ञाता है। निरपेक्ष ज्ञाता कैसा है? मैं ज्ञाता हूँ बस। क्या कहा मैंने? निरपेक्ष ज्ञाता मैंने, मैं तो ज्ञाता हूँ बस, हूँ आप बस, क्या करें। अब फिर दृष्टांत देके समझाऊंगा इस भाव को भी, समझाने में मेहनत लगेगी थोड़ी। बताओ, अपनी माँ को आप अम्मा क्यों कहते हो? हाँ, माँ है बस। कितना बढ़िया उत्तर है, क्योंकि वो मेरी माँ है। नहीं नहीं, आप इसलिए कहते हो क्योंकि वो दिखने में अच्छी लगती है, थोड़ी गोरी है, थोड़ी जाड़ी है, थोड़ा नाम बढ़िया है उसका, इसलिए। या वो करोड़पति बाप की बेटी, मैंने आपका नाना करोड़पति है, कोई मतलब है इसका? कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, बस ये मेरी माँ क्यों है? क्योंकि है बस, खत्म। ये निरपेक्ष, मेरी माँ मुझे इसलिए माँ लगती है क्योंकि रोज पैसे देती है, पॉकेट मनी, इसलिए मेरी माँ नहीं है वो। ये मेरी माँ है
मुझे मिठाई देती है, खीर देती है, इसलिए नहीं है मेरी माँ, वो है बस। आपके समझ में आ गया ना, ऐसे आत्मा बस आत्मा है। ज्ञाता तो ज्ञाता ही है भाई, ये है निरपेक्ष ज्ञाता, ये है निरपेक्ष ज्ञाता। अब कितनी कीमती लाइन है, सहज सहज समता भाव हो, सहज समता भाव हो, सहज 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 माने क्रोध मान माया लोभ से रहित, कृत्रिमता से रहित, सहज सहज मतलब सापेक्ष ज्ञाता नहीं हूँ, जैसे अर्थ किया ना वो यहाँ पर सापेक्ष ज्ञाता नहीं हूँ, इसका नाम है सहज, सहज ज्ञाता हूँ बस खत्म। आपके सामने रेलगाड़ी में कोई 100 करोड़ के हीरे रखे थे और पुलिस वाले आए उठा के ले गए, ले जाओ, क्यों सब तुम्हें दुख नहीं लगा 100 करोड़ के ले गए उठा के, ले हमारे यही कितना सहज, बिल्कुल। और कोई चोरी कर ले जाए तो ले जाओ, वो रो रहा है उसके चोरी चले गए, उसके 100 करोड़ के गहने हीरे चोरी चले गए, वो रो रहा है तो रो, हम घर मेरे तो नहीं मैं सहज गया था बस। दृष्टांत दे रहे, इस जीव को फोकट में दुखी रहने की आदत है, मजाक संतान कुछ काम नहीं, आनंद करने के समय को जो फोकट में दुखी होने में लगा देता है। 100% टाइम करो, 100% टाइम आप चाहो तो एंजॉय करो, 100% टाइम आप चाहो तो आनंद से रह सकते हो, लेकिन फोकट में दुखी होने की आदत। जैसे रेलगाड़ी में आप बैठ गए, आपको यहाँ से कलकत्ता जाना है, भावनगर से कलकत्ता, अब 3 दिन लगेंगे, 2 दिन लगेंगे, 2.5 दिन लगेंगे, अब तुम्हें कुछ टेंशन करना चाहिए, लेकिन हर जगह वो मोबाइल कहाँ खड़ी है, कहाँ पहुँच गई, ए अभी तक यहीं खड़ी है, ये फोकट में यार क्या तुम मोबाइल चलाओगे तो जल्दी पहुँच जाएगी, बोलो मैंने इस जीव को आनंद करने का टाइम भी फोकट में दुखी होने में व्यतीत कर देता है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना, अभी थोड़े दिन में तुम्हें ऐसा बस प्रोसेस सुन, इसके बाद क्या करें, क्या करें, रो रो आनंद कर रहा इस दिन भर में 2 ही प्रोसेस मिलते हैं, हम इसके बाद 18 घंटे क्या करें, 20 कितने 22 घंटे क्या करें, 2 घंटा तो प्रोसेस सुने, इसके बाद क्या करेंगे, आधे घंटे भक्ति कर ले, फिर क्या करेंगे, अभी ये क्वेश्चन तुम्हें जवाब खोजना पड़ेगा, तो आनंद करो ना, समझ आया, आनंद का काल ये जी हाँ फोकट में दुखी होने में व्यतीत कर देता है। रेलगाड़ी की एग्जांपल दिया, ऐसे तुम घर में बैठे बैठे जब लोगों को अच्छे खासे मजे में बैठे थे तो मोबाइल खोल लेते, झारखंड में क्या हो गया, सरकार नहीं बनी, गिर गई तुम्हें क्या लेना झारखंड से तुम्हें क्या लेना देना, लेकिन नहीं, मैं सही कहता हूँ, जिन्हें दुखी होना था वो देखने लगते हो, उसको देख करके ओ क्रिकेट में आउट हो गए, हार गए। दो दृष्टांत दे दी, ऐसे कितने दृष्टांत चाहिए। एक महिला अपने घर में सुखी थी, कोई काम नहीं था उसे, तो दूसरे घर में पहुंच गई दुखी होने के लिए, अब दूसरे घर में पहुंच ऐसा हो गया मन जो भी उसके घर में, ये तारा ससुरा बड़े दुख दे तारी सासु बात तो ताने दुख दे छे ऐसा तेरे क्या को हिसाब लगाना, 3 हो गए दृष्टांत, 4 हो गए, 24 घंटे ऐसे दुखी। कुछ लोग ऐसी कल्पना कर गए, यदि आज मेरा बेटा होता तो, जिनके अमेरिका चले जाते हैं बच्चे, यहाँ के भी चले गए होंगे, नहीं गए घूमला के, बहुत गुजरात के बच्चे बाहर चले जाते हैं और चले गए, आज होता तो, अब है नहीं, होता तो क्या कर लेता, होता तो आपको समझ में आ रहा है, मैं कह रहा हूं अनादिकाल से इस जीव को फोकट में दुखी होने की आदत है। अभी आप देखो सब तो सब साता भेद नहीं है, बढ़िया खा पी रहे हो आराम से रह रहे हो, लेकिन लेकिन फोकट में दुखी होना है तो शांति से बैठ नहीं सकते, सहज समता भाव नहीं रख सकते, सहज ज्ञाता भाव नहीं रख पा रहे। अरे सोचो तो उन दिगंबर भगवंतों की बात तो सोचो, मुनि भगवंतों की बात सोचो, जिन पर 7 दिन तक उपसर्ग हुए, साता रखी, समता रखी, काय के बल पर रखी है बस काय के बल पर रखी है, ज्ञाता है, अब क्या करें।
सब देगा कुछ हो गया तो होगा, देगा कुछ क्या होता है, देगा कुछ क्या होता है, देगा परिणाम होता है और क्या होता है। आज बाल सफेद नहीं होते तो फालतू बैठ जाए। अभी एक काम करो, आप दर्पण के सामने बैठ जाओ, फालतू में दुखी हो जाओ, ए बाल सफेद हो गए, अरे तो हो जाने देना। बाल मेरी सत्ता में नहीं है और बालों की सत्ता में मैं नहीं हूँ, जाने दे। मौज करना सीखो, मौज अब तो समझो 24 घंटे एंजॉय करे, इसका नाम है आत्मा। 24 घंटे आनंद करे, लेकिन फोकट में दुखी होने की आदत पड़ी हुई है। इसलिए पंडित साहब ने बहुत सुंदर लाइन लिखी, सहज समता भाव हो और कैसे ज्ञाता रहूं निरपेक्ष। ज्ञाता रहूं निरपेक्ष माने किसी अपेक्षा से नहीं, ज्ञाता रहूं निरपेक्ष माने किसी अपेक्षा से नहीं। समाधि मरण के प्रवचन में बहुत मेहनत का काम है समाधि मरण। कल्पना करो मेरी समाधि हो रही है और बिल्कुल टोटली अननोन पर्सन जिन पर मैंने कभी उपकार नहीं किया, जिनका मैंने भला नहीं किया, और इस भाव में भी अब करने की उम्मीद नहीं कि उनका भला करूँगा, तन से मन से धन से कहीं से भला नहीं करूँगा, वो भी मेरी समाधि करा रही है। उस समय निरपेक्ष ज्ञाता अनुभव करना कितना पुरुषार्थ, मेहनत करने जैसी बात। क्या कहा मैंने, निरपेक्ष ज्ञाता रह सकते हो उस समय क्यों? हमने तुम्हारे करोड़ रुपए दिया हुआ तो तुम 1 लाख लौटा दो तो कोई बात नहीं, चल लौटाओगे, लेकिन मैंने तुम्हारी सेवा भी नहीं की, मन से वचन से काया से धन से कहीं से काम नहीं किया आपका, और आप मेरी जबरदस्त सेवा कर रहे हो, लेटरिन फेंक रहे हो, बाथरूम फेंक रहे हो, सब कर रहे हो। और उस समय भी मैं सहज ज्ञाता रहूँ निरपेक्ष ज्ञाता रहूँ, ये प्रसाद क्यों? अब फिर वही बात, क्यों कि हूँ ना। इसमें मैंने बहुत 1 घंटे का प्रवचन किया है पहले समाधि मंड के प्रसंग में, समाधि मंड का प्रसंग सुनने लायक है, बहुत अच्छा 42 घंटे के प्रवचन हुए, बहुत जोरदार है। उसमें बताया कि समाधि मतलब अपने अंतिम समय में कैसे समता रखनी है, तो बहुत सुंदर है। इस शरीर का कोई सेवा कर रहा है तो फ्री में नहीं कर रहा, कोई अननोन से अननोन व्यक्ति कोई इसकी सेवा कर रहा है मरते समय, तो ओबलाइज होने की जरूरत नहीं है, दीनता भी रखने की जरूरत नहीं है। समाधि के टाइम अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं मर जाएं, दे छूट जाए। अरे दे छूट के क्या करोगे, ये तो बताओ। तो फिर फ्री में नहीं करता, या तो पूर्व भव में किया होगा इसलिए कर रहा है, या वो अपनी समाधि साध रहा है फ्री में नहीं कर रहा, वो अपना तत्व ज्ञान साध रहा है, वो अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए साध रहा है, वो अपना भला कर रहा है, वो कुछ भी नहीं करता तो पुण्य बांध रहा है, फ्री में कोई नहीं कर रहा। इसलिए बिल्कुल मत सोचना कि कोई हमारी सेवा कर रहा है, और ये भी नहीं सोचना कि क्यों नहीं कर रहा है। बड़ी कठिन पुरुषार्थ है इसमें, कई बार ऐसा लगता है देखो गैर लोग काम आ जाते लेकिन सगे काम नहीं आते। सगा बेटा देखो पानी नहीं पिलाता हो, ये लोग देखो पानी पिला देते, तो ये भी भाव होता है। तो सगा क्यों नहीं करता, ये भी निरपेक्ष नहीं कर रहा, और ये कर रहा है तो कर रहा है, और मैं दोनों से निरपेक्ष। अब मैंने समझ में आ गई, निरपेक्ष ज्ञाता हूं। क्या बोला हमने, निरपेक्ष ज्ञाता हूं। मेहनत तो लगे इसमें, क्योंकि एक्चुअली अपन इतना सापेक्षी जीवन जीते हैं कि अपने 24 घंटा उम्मीद रहती है इसे मैं ये तो मेरी सेवा करेगा। बेटा तुमसे तो हमें उम्मीद है, बचपन से ही पढ़ा कि सामाजिक अरे हम क्या कहें, ये जिन मंदिर बन गया ना ये सब एक आपका, अपन सोचते रहते हैं हमने तुम्हारे लिए बनाया, और कब तुम काम ही ना कर पाओ, और एक बिल्कुल अननोन पर्सन आया और देख के सब मेदेशी होकर चला गया। कई बार आप विमान निकालते हो ना, भगवान को निकालते हो महावीर जयंती के दिन, और ढोर डंगर हुए और देख के सब में दर्शन ले लेते, जो जानवर हो वो भगवान का दर्शन करके उन्हें जाति स्मरण हो जाए, ओहो क्या अभी पढ़िया, ओहो प्रभु स्मरण हो जाए, उनको सम्यक दर्शन हो जाए देख के ही। बहुत बढ़िया दिन होता है जो भगवान का विहार कराना, तीर्थ वो जल यात्रा निकालना, शोभा यात्रा भगवान की, एक्चुअली वो समोसरण विहार कहलाता है, जो भगवान को श्री जी को लेकर जाते हैं ना तो समोसरण विहार कहलाता है, तो उस दिन सम्यक दृष्टि होता है कोई।
मैंने अपन सोच रहे हमारे तुम्हारे लिए हम रह ही जाए और कोई और करके चलता जाए। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? बहुत मेहनत है। मैंने निरपेक्ष ज्ञाता रहो तो साहब इसमें वो नहीं हो जाएगा कृतज्ञता कि वो तो इतनी मेहनत कर रहा है और हम उसको धन्यवाद भी ना दें कि ठीक है लोग व्यवहार में तुम्हें जो कहना कह देना, लेकिन दी बेस्ट समाधि है कि धन्यवाद भी मत कहो। बहुत पुरुषार्थ है, किसी को खुश करना सरल है, बेटा बेटा बहुत बढ़िया भगवान तुम्हें भला करे तो ऐसा खुश करके भी उसे सेवा करा सकता है वो, लेकिन दी बेस्ट समाधि है कि उसे खुश करके भी समाधि नहीं करना। उसे भी निरपेक्ष ज्ञाता देखना और दिखाना। थोड़ी मेहनत है, समझ में कम आ रही होगी, समझ में आया? मतलब उसको भी ये कहना जैसे गुरुदेव कहते थे तमेपण भूले ला भगवान छो, करता ना थी करता ना थी गुरुदेव ने। आप देखना गौर से, गुरुदेव ने किसी को धन्यवाद नहीं दिया। बड़े बड़े सेठ लोग आए और ये सब कर गए है ना, सब कुछ करा तो अभी गुरुदेव ने नहीं, ये सेठ खुश होकर के आशीर्वाद दिया कि तुझे दो चार भव्य मोक्ष थी, जैसे आशीर्वाद नहीं दिया। वो पैसा न्योछावर करते थे, बड़ा बड़े राशि मनाते थे, ये सब काम करते थे और गुरुदेव के ये सेठ धूल लगाई है, धूल मड़ी जैसे धूल स्वर्ग मड़ी जैसे द्वार धूल लगाई है ना, 25-50 लाख उसका तेरे को पैसा मिल जाएगा पुण्य के उदय में। प्रभु बेचार लाख स्वाद देकर वो जो है मुझे गुरुदेव की एक ही पुकार है, कभी किसी सेठ को खुश नहीं किया, सेठ को नहीं किया, ऐसे और मामले में भी किसी खुश नहीं किया, बहुत निरपेक्ष रहे। बराबर, अभी इसकी लंबी चौड़ी चर्चा नहीं करेंगे। तो निरपेक्ष ज्ञाता, समझ में आया क्या कहा? निरपेक्ष ज्ञाता रहो। आगे एक दृष्टांत दे रहे हैं, एक प्रसंग बता रहे हैं। देवांगनाए भी नचित में कर सके विक्षेप, देवांगनाएं भी ना कर सके मन में चित्त में विक्षेप। एक अर्थ तो सिंपल है जो आपको लगा लेना चाहिए कि कोई स्त्री मुझे कामुक नहीं बना सकती। सिंपल अर्थ तो यह है, कोई भी रंभा क्यों ना आ जाए, है ना, कौन कौन से नाम कहलाते हैं ऊपर से, और बसी और कौन 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 मैन का, वे आकर के हमारा चित्त हरण नहीं कर पाएंगे। ये तो है, सिंपल अर्थ है, इससे आगे कहना है हमें, ठीक है? फिर से समझ गए ना इतनी बात? तो मैंने वो हमें परिणाम बिगाड़ नहीं सकते कोई इतना, लेकिन दिगंबर मुनिराज को उनको कहना कि वो स्त्री आती है, नृत्य दिखाती है, जो कुछ करती है, तो मुनिराज ये भी नहीं सोचते कि ये क्यों आ गई, नहीं आती तो अच्छा है, चली गई तो बढ़िया है। हाँ, वो एक पॉइंट पकड़ में आया, इसका नाम है चित्त में विक्षेप पैदा नहीं हुआ। मेहनत है इसमें, ज्यादा मेहनत है इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है, बैठ जाओ। चलो भैया, कोई स्त्री उपसर्ग कर रही तो बैठ जाओ, ये नहीं कह रही, ये तो ये कह रहे हैं शेष सदर्शन के ऊपर इतना कुछ हुआ तो अभी विक्षेप नहीं हुआ। एक अभी दूसरा दृष्टांत दे रहे, क्योंकि एक घटना बताई ना, असंख्यात घटना लगाना है यहाँ पर, निरपेक्ष ज्ञाता रहने की असंख्यात घटनाएं। जो दूसरी घटना, दिगंबर मुनिराज जंगल में ऐसे विराजमान है और बहुत ठंड पड़ रही है, बहुत ठंड, बर्फ गिर रही है, बर्फ बहुत ठंड पड़ रही है, और कोई व्यक्ति उनके ऊपर छाता लगा के बैठ जाए या उनको रजाई ओढ़ा दे या उनको टेंट में ला दे, तो मुनिराज को ये भाव नहीं आना कहलाता है, चित्त में विक्षेप नहीं हुआ। कौन सा? चलो अच्छा, हमने तो मांगा नहीं था, हमने तो कहा नहीं था, लेकिन इसने कर ही दिया, बहुत अच्छा भक्त है, इसने भक्ति से मेरी रक्षा की, चलो अच्छा है, आज की रात ठीक कर जाएगी, तो विक्षेप हो गया। एक ही नहीं, उल्टा भी नहीं सोचा किसने क्यों किया, नहीं करता तो अच्छा था, ये भी नहीं सोचा। बजरा बेटे कौन का बजरा है? देख रहे बेटे ऐसे, हाँ बेटे आए समझ में आ रहा कुछ? तो मैंने यस नहीं और नो भी नहीं।
बता कोई क्या कहेगा, मैं दिगंबर मुनि हूँ, इसने मेरे ऊपर कपड़ा डाल दिया, सुबह कोई देखेगा तो कितनी अप्रभावना होगी, जैन शासन का मुनि ऐसा होता है क्या, लोग क्या सोचेंगे, ये भी नहीं सोचे। दुनिया मजाक उड़ाएगी, उड़ा लेने दो, फोटो खींच के ले जाएगी, खींच लेने दो, वीडियो बना के डालेंगे, डाल देंगे, हमें कोई मतलब नहीं। ये थोड़ा विक्षेप नहीं हुआ, इसका मतलब चित्त में विक्षेप नहीं हुआ। विक्षेप माने वो अर्थ तो है ही नहीं जो तुम्हारा है खराब, किसी भी रूप में कुछ नहीं। क्या गजब, ऐसे होता है केवल ज्ञान, क्या उपयोग, एकदम शांत समुद्र जैसा, बिल्कुल शांत, किंतु न हो गया स्थिरता कान, समझ आया। बढ़िया, अच्छी बात है। वही तो कह रहे हैं, जानने में आने के बाद वो भाव नहीं आता, ये कह रहे वो भाव ही जानने में नहीं आता, ये कह रहे। तीन कसा चौकड़ी अभाव की स्थिरता है, केवल ज्ञान लेना है। अभी भजन गाते हो, श्रेणी मांड पलक छिन में मधु, पलक छिन में, श्रेणी मांड पलक छिन में, हाँ तो उनकी बात है, विक्षेप नहीं हुआ ना केवल ज्ञान हो जाएगा, विक्षेप हुए तो केवल ज्ञान नहीं हुए, हाँ और नहीं हुए विक्षेप तो केवल ज्ञान हो जाएगा। दो मुनिराजों को विक्षेप हुआ, नकुल और सहदेव, शत्रुंजय पालिताण, शत्रुंजय से पांच हुए पांडव, तो दो को विक्षेप हुआ, अपने लिए नहीं हुआ, दूसरों के लिए हुआ। हाँ विक्षेप नहीं कर प्रभु, बिल्कुल ये बहुत मेहनत के पार्ट है, खूब सोचोगे ना, सोचो मैंने ये अभ्यास करोगे तो बिल्कुल समता आएगी, अपने को भी आएगी, आएगी, क्यों कठिन नहीं है। अब सबसे पहला लॉजिक क्या दिया था, मैं गया था क्यों, क्योंकि क्या कह रही हूँ, बहुत सरल, बहुत अच्छा। ए शक्कर कैसी है, बोलो भाई, साकर क्या बीच है, मीठी, ओके क्यों, साकर मीठी होती है तो क्योंकि मीठी है, समझ आया। सोना स्वर्ण गोल्ड कैसे होता है, पीला क्यों है, वो होता है। कैसे, ये तो बहुत मजे की बात है। अभी अपन काय का प्लान बनाते, पता है, कोई मेरा भला करेगा तो उसे थैंक्स बोलूंगा। अपन ऐसा प्लान बनाते, यहाँ ये प्लान बना रहे हैं कि थैंक्स बोलने वाला सामने वाले को ठगता है, नहीं आया नहीं समझे। देखो मैं समझाता हूँ, यदि आपको अपनी पत्नी को या बहू को ठगना हो तो उसकी तारीफ करो। यदि आपको कोई बढ़िया चीज खाना हो तो उसकी तारीफ, तारी हाथ की ढोकली तो वो हो तो पक्के में आज आपको दाल ढोकली मिल जाएगी। नई नई बहू आई हो तो उसको खुद मिलकर तारीफ करो, तारा हाथ नहीं बहू लाजवाब बहु सरस रसोई खमन तो वो हुआ, हाँ बस दो डायलॉग चुकाओ बेचारी लग जाएगी डो मर। आए समझ आया कि नहीं आया, ये गुरु शिष्य की परंपरा बहुत अलग है, ये समझो गुरु शिष्य की परंपरा बहुत अलग है। उस शिष्य को शिष्य नहीं कहते जो गुरु से प्रशंसा सुनना चाहता है, क्योंकि वो ठगा जाएगा। 99% तो नहीं कहना चाहिए, फिर भी मैं कह रहा हूँ 99% शिष्य केवल इसलिए ठगा जाते हैं कि कहीं ना कहीं तारीफ मिलती वहीं जोड़ जाते हैं, हमारे गुरु बहुत खराब है, हमारी तारीफ ही नहीं करते। बेलोग देखो हमारे प्रवचन की तारीफ कर रहे हो, जो हमारे गुरु तो कमी कमी निकालते हैं, हमारे प्रवचन में भी कमी निकालते हैं, इतने लोग तारीफ कर रहे हैं, बस वो तारीफ में मर जाता है, केवल ज्ञान छोड़ देता है। ये कह रहा हूँ तारीफ सुनने के लिए, जैसे अभी मैंने बहू का एग्जाम्पल दिया ना, ऐसे पंडित को ठगना हो तो उसकी तारीफ करो, ओ बहुत भैया बहुत बढ़िया, तो वो आ जाएगा ना, कहता रहेगा प्रवचन, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। लेकिन गुरु अपने शिष्य की प्रशंसा कभी नहीं करते। आदिनाथ भगवान के 84 गणधर थे, सबसे प्रिय गणधर कौन सा था आदिनाथ को, सर्वप्रिय। कोई ऐसा नहीं, अपन ने बोला है वो प्रधान थे 11, वहां कोई 11 84 की बात ही नहीं, कोई आगे पीछे नहीं थे,
कौन से आचार्य उनको सबसे अच्छे प्रिय लगते, ऐसा कुछ नहीं। ये सब मेहनत के पाठ हैं, समझ रहे बेटे? हाँ, केवल ज्ञान लेना हो बेटे तो प्रशंसा सुनने की कोशिश मत करो। काय की, अच्छा तुम बताओ काय की प्रशंसा करें? वो तो एक भाव प्रशंसनीय है, नहीं वो तो निंदनीय है। और पारिणामिक भाव है, वो अनुभव करने लायक है। जल्दी बोल गए, क्या कहा? पारिणामिक भाव अनुभव करने लायक है, और औदिक भाव प्रशंसनीय नहीं है। इधर तुम्हारी तुलना में मेरा भाव अच्छा लगता है, मैं प्रवचन करता हूँ तो तुमसे अच्छा भाव है, इसलिए नहीं है औदिक भाव। और जब तक प्रवचन करता है जीव, तब तक केवल ज्ञान नहीं होता। क्या कहा? जब तक प्रवचन करता है तो छठा गुण स्थान है। ओहो, धन्य जिन्हें प्रवचन करने का भी भाव नहीं आता, शुद्ध उपयोग में मग्न हो गए, केवल ज्ञान ले लिया, तो बड़ा काम कौन सा हुआ? बोलो, केवल ज्ञान ले लिया। बहुत ठगा ठगी है, बहुत जल्दी ठगा जाता है। पंडित जी मेरी बहुत तारीफ करते, भाई साहब मेरी बड़ी तारीफ करते, काय की तारीफ करते? प्रभु तू है कौन? मैं जो हूँ उसकी कोई प्रशंसा करेगा नहीं। क्या कहा? मैं जो हूँ, तुम कौन हो? और जिसकी प्रशंसा करते वो मैं हूँ नहीं, और प्रशंसा करने वाला मुझे ठग रहा है। क्या कह रहे? ठग रहा है। इतनी बात समझदारी होगी, आप कोई दिक्कत नहीं। आपने कभी दुकान पे देखा होगा कुछ ग्राहक बहुत जय जय क्या बोलते, जय राम, जय जय कृष्ण, जो कुछ बोलते होंगे, बहुत मीठी मीठी, और सेठ जी और सेठ जी, और फिर थोड़े बता दे। हमारे गांव में सब आपको बहुत तारीफ करते, बहुत आपको याद करते। हमारे पिताजी भी आपको ही बोल के गए थे, आपकी पेड़ी 10,000 दे दे। मैंने उधार दे दो। तारीफ करके क्या करता है वो? ठगता है। समझने की जरूरत है प्रभु। फिर से औदिक भाव की प्रशंसा करने लायक नहीं है, और पारिणामिक भाव ध्रुव भगवान आत्मा है, वो तो अनुभव करने लायक है। अभी ज्यादा चर्चा करेंगे तो हम कहेंगे जो जो प्रशंसा सुनना चाहे तो वो भी हो रही भाव है। सावधान, तुम नहीं हो। होता है मेरे में, आप में एक कमजोरी होती है, उसका नाम औदिक भाव है। प्रशंसा सुनना चाहे थे, कोई बोल दे, बस कोई बोले हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे कौन के बहुत बढ़िया? क्या बोला बढ़िया? अमृतचंद स्वामी ने, इस टीका का करता मुझे जानकर मोह में मत नाचो। क्या लिख रहे हैं अमृतचंद स्वामी? इस टीका का करता मुझे जानकर मोह में मत नाचो। ए समझ में आया? दो चार अपने अपने बनाओ। मुझे रोटी का करता जानकर हे पति मोह में मत नाचो। बोलो, व्यापार धंधा का करने वाला मानकर हे हे पत्नी हे बेटा मोह में मत नाचो। ये मेरा धंधा नहीं है, मेरा काम तो ऐसी मेहनत की जरूरत है। इसमें बहुत मजेदार पार्ट है। तो समता समझ में आया, निरपेक्ष ज्ञाता समझ में आया? इतनी मेहनत करनी पड़ेगी निरपेक्ष ज्ञाता। देवांगनाएं भी मन में विक्षेप नहीं कर पाए, चित्त में विक्षेप नहीं कर पाए। देवांगना इसलिए कहा है कि मनुष्य गति में मैथुन संज्ञा मूल मुख्य है, तो स्त्रियों से पराजित होता है। स्त्रियों से, जानवर स्त्रियों से पराजित नहीं होते, जानवर आहार से पराजित होती। चारों गति में आहार भय मैथुन परी गए। नार की 24 घंटे भयभीत रहते हैं, वो भय संज्ञा उनको मैन है, मैन। मनुष्यों को मैथुन संज्ञा, पशुओं को आहार, और उनको परी गए देवों को। ये चारों संज्ञा हैवी है, मतलब उन्हें स्त्रियों से कोई मतलब नहीं। देवगति में स्त्री में, स्त्री में मैं एक भी गलत काम नहीं होता है। देवगति में इतने असंख्य देव हैं, लेकिन एक भी ऐसा नहीं है दूसरे की देवी रख ली। ऐसा नहीं करते, मैंने कोई किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं हो, रेप नहीं, कोई घटना नहीं, कुछ कर कुछ नहीं होता। कहीं ऐसे खबर नहीं मिलेगी वो उनके चली गई, भाग गई। कोई कोई मैंने सुविधा है, लेकिन मनुष्य गति में, इसलिए देवांगना लिया है यहाँ पर। देवांगना बहुत, बड़े बड़े साधु भी स्त्रियों से पराजित हो जाते। हिंदुओं में तो कहानी आती है, वो पांच मुख बनाए थे ना, पांच मुख ब्रह्मा जी बनाए थे,
हाँ 5000 वर्ष की तपस्या वो देखने के लिए खोदी हो रंभा को, तो जिस तरफ नाचती थी भाई देखे तो 1000 वर्ष की तपस्या खत्म हो, एक चेहरा यह बन गया फिर एक ऊपर बन गया ऐसे ऐसे, और बाद में 5000 वर्ष की तपस्या थी पूरी खत्म हो गई, तो खलास थी गई वो भाग गई, ऐसा माने हिंदुओं में कथा आती है, माने स्त्रियों से बहुत है। चलो अब इसको फैला लो थोड़ा सा, इसको थोड़ा फैलाओ। ओहो दिगंबर मुनिराज आदिनाथ मुनिराज सोचो जरा, 13 महीने 9 दिन से भूखे थे, आपकी भाषा में, मैं तो नहीं कहना चाह रहा ऐसी भाषा, भूखे थे, अच्छा नहीं लगता मुझे ऐसा, हालांकि ठीक है। अब 13 महीने 9 दिन बाद अचानक टेस्टी जूस मिल गया गन्ने का सेडिनो रस तो थोड़ी मजा आ भी जाए नहीं परिणामों में साथ आवे कि नहीं आए, ये विक्षेप है। हाँ हाँ हाँ, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि 13 महीने 9 दिन उपवास किया, उपवास रह गया, भाषा बदल दी, लेकिन गजब बात है कि 13 महीने 9 दिन बाद मिलने पर ये दुख नहीं हुआ कि पहले क्यों नहीं मिला, और ये भी आनंद नहीं हुआ कि अभी क्यों मिल गया, चल अब तो मिला कम से कम। घरों में अथवा कहीं भी एक झगड़ा होता है, झगड़ा जैसे तुमने मम्मी का काम कर दिया और फिर तुमने कहा कर आज तो कर दिया काम, कर दिया ना आज काम, तो फिर कहते आज तुमने आपका काम कर दिया सेवा करी, तो मम्मी झट के दी तो एहसान करा, कल तो नहीं किया था, 1 साल पहले तो नहीं किया था, 1 दिन कर दिया तो क्या बड़ी बात है, पहले तो नहीं किया था, मैंने आज के काम होने का भी आनंद इसलिए नहीं आता कि पहले इस लड़के से ज्यादा नहीं समझोगे आप कि बेटे ने माँ के लिए कुछ किया, लेकिन बहू के मामले में जल्दी समझोगे आप, बहू ने एक बहुत अच्छा काम किया, पहली बार माँ की सेवा करी, सासू बा की अच्छी सेवा करी, और फिर बोली मम्मी कैसा लग रहा है आपको तो बोले हाँ एक ही दिन तो किया इतने दिन तो कभी नहीं किया तुमने अच्छे से, मैंने वर्तमान का आनंद नहीं ले पा, एक ही समझ गए, ओ पुण्य का उदय पहले तो नहीं आया, पहले हमने कैसे कैसे दिन देखी, क्या बताएं पंडित जी हमारी हिस्ट्री इतिहास बहुत दुखद अरे तो अब तो आनंद करना है हमारे सब जगह होता है, लेकिन मैं अपनी नानी का दृष्टांत दे रहा हूँ, हमारी नानी ने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत संघर्ष किया, बहुत, अब वो तीनों मामा कमाने लगे, कमाने लगे, अब तो घर में सब था अच्छा था कोई दिक्कत नहीं, तो अभी उसे दूध पीते नहीं बनता था, तो अभी उसे फल है ना एप्पल और वो क्या ना मौसम्बी वो खाती नहीं बनती, क्यों बेटा कभी जिंदगी में खाई नहीं अरे तो अब तो खा लो मैंने बीमार हो जाते थे, डॉक्टर कहते थे इनको सफरजन वो लेना है, वो इसलिए नहीं खाती थी, बच्चों को देखती थी सबको खिला दी, समझ आ रहा है, वो प्रभु आज तेरे को भोजन का अंतराय था होने दे, आज मिल गया तो अभी सहज भाव से ले ले, नहीं मिले तो अगले दिन की भी कामना मत कर, ये है विक्षेप नहीं हुआ, जल्दी जल्दी बोल गए हम, मुनि दशा की बात चल रही है यहाँ पे, मुनि दशा की बात है, कल्पना करो बहुत दिनों बाद किसी ने बहुत अच्छे से पड़गा करके अच्छे से रसोई कराई, यानी आहार करा दिया आपको, तो आपको झट ऐसा लगता है जी बाई बहुत अच्छी कल भी यदि यही पड़गा ले तो मजा आ जाए इसी के यहाँ भोजन हो जाए तो आनंद आ जाए, इसके हाथ की मिठाई तो गजब है, जो भी कुछ बोलो ये सब परिणाम होने का नाम है विक्षेप। अच्छा आहार नहीं हुआ तो उसका भी विक्षेप, कैसा भोजन है, कैसे कराया, क्या कर रहे, साधु होने का समझ मतलब, साधु होने का मतलब एक है विक्षेप नहीं होता। अब अच्छी भाषा में बोलो आहार के प्रति खेद भी नहीं होता और आहार के प्रति प्रसन्नता भी नहीं होती, अब बिल्कुल इजिकल टू बोलो वितरागता, इसका नाम वितरागता, हर्ष भी नहीं, श्रीमद जी की भाषा में बोलो अपूर्व अवसर, सरस अन्नम मन प्रसन्न नहीं हो जो, सरस अन्न में सरस अन्न भोजन हो जाए तो भी मन प्रसन्न नहीं,
खराब वैसा भोजन मिल जाए तो दुखी नहीं हुए, बराबर समझ में आया। तो ये बहुत अच्छी पंक्ति है, बहुत मेहनत करने की, मैंने तो इसलिए कह रहा हूँ होमवर्क बहुत है इसमें। यदि आपको सचमुच जल्दी केवल ज्ञान चाहिए हो तो खूब ऐसे निरपेक्ष ज्ञाता रहने का अभ्यास करो, बराबर। आगे चलो, आगे है निर्दोष ज्ञान विराग मय चर्या हो निरति चार। हो सकता है नए नए शब्द हों आपके लिए, मैं अर्थ खो दूंगा इसका, बहुत अच्छा शब्द है सुनने लायक है। क्या कहा? निर्दोष ज्ञान विराग मय, समय साजी की ज्ञान वैराग की मैत्री, निर्जराधिकार ज्ञान वैराग की मैत्री। एक बार बोलो, ज्ञान वैराग की मैत्री। नहीं समझ आया तो हाथ खड़ा करना हो, नहीं समझ आया तो मैं और समझाऊंगा सरल करके। क्या बोला मैंने? ज्ञान वैराग की मैत्री। बस हो गया, कोई बात अविनाशी हूँ।